watching me on www.rjmala.com. मुझे फिल्मों में काम करने का या ऐसा एक्टर बनने का इतना शौक कभी भी नहीं था. मुझे बस ये था कि अगर मैं अपने म्यूजिक वीडियोस करूं तो मैं कम से कम अपने खुद के म्यूजिक वीडियोस में मैं कुछ कर पाऊं. बस वो था कि आई शुड फीचर इन माय ओन म्यूजिक वीडियोस. बट फिल्म या वैसे सीरियल एक्टिंग में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है. हर्षदीप, जानना चाहेंगे आपके सिंगिंग करियर के बारे में, आपकी लर्निंग के बारे में. कब आपने सीखना शुरू किया म्यूज़िक और किस तरह की आपकी ट्रेनिंग थी? जी, मैंने सीखना शुरू किया जब मैं कुछ 6 साल की थी और मेरे पिताजी ने मेरा टैलेंट डिस्कवर किया. एक बार मैं अपने घर में गा रही थी, कुछ गुनगुना रही थी जब काफ़ी छोटी थी, तो उन्होंने दूसरे रूम से सुना. उन्हें लगा कि काफ़ी सुर में गा रहे, कौन है ये? तो फिर उन्होंने देखा कि तो मैं गा रही थी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा दोबारा गा के दिखाओ. तो क्योंकि हमारे पापा की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की फैक्ट्री है तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स घर पे होते थे, तो उन्होंने कीबोर्ड लेके मुझे सुर दिया. अच्छा इस सुर से गाओ, अच्छा आप इस सुर से गा के सुनाओ. तो मेरा एक छोटा सा टेस्ट लिया, तो मैंने उनका वो टेस्ट पास कर लिया. तो उन्होंने पूछा कि डू वांट टू लर्न, तो मैंने भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ मैं सीखना चाहूँगी. तो बस वहाँ से सीखना शुरू हो गया. फिर स्कूल में मैंने कई अपने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, नेशनल लेवल्स पे, स्टेट लेवल्स पे. फिर कुछ ऑडिशंस दी टी वी शोज पे. बचपन में मैं काफ़ी जी टी वी पर आती थी, क्लोज अप अंताक्षरी में या सारे गामा में. मतलब वो जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया. ज़्यादा परफॉर्मिंग शुरू हो गई बस धीरे धीरे. फिर मैंने तब से सोचा था कि मैं बड़े होकर प्लेबैक सिंगर ही बनूंगी. जी, आपकी लर्निंग हिंदुस्तानी क्लासिकल में तो है ही, साथ में वेस्टर्न में भी है. आई थिंक यू लर्न पियानो. आई हैव लर्न पियानो फॉर अ फ्यू ईयर्स और मैंने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक वोकल की भी ट्रेनिंग ली है. क्योंकि बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए ओनली इंडियन म्यूजिक इज़ नॉट इनफ. कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें वेस्टर्न म्यूजिक का इन्फ्लुएंस होता है, थोड़ा आपको वेस्टर्न आवाज़ में गाना पड़ता है. तो सब कुछ आना चाहिए फिल्मी गाना गाने के लिए, तो इसलिए मैंने हर क्षेत्र की ट्रेनिंग ली है. जी हर्षदीप, आप दो रियलिटी शोज जीत चुके हैं. क्या आप रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करने से पहले ही सेटल्ड थी या रियलिटी शोज करने के बाद आपकी लाइफ में थोड़ी सेटलमेंट आई? सेटलमेंट एज इन करियर वाइज, जो मैंने पहले किया था एमटीवी वीडियो गागा कॉन्टेस्ट 2001 में, तो उसकी मैं विनर रही. लेकिन तब उससे ये फायदा हुआ कि मेरी एल्बम रिलीज हुई एज अ प्राइज और काफ़ी एक्सपोजर मिला एमटीवी पर, काफ़ी मेरे इंटरव्यूज आए उन दिनों, तो लोग थोड़ा पहचानने लग गए. उसके बाद मुझे जैसे बॉलीवुड से ऑफर आने लगी कि आप आओ सेंड योर डेमो सीडी, फिर उससे कह सकते हैं कि एक स्टार्ट मिल गया बॉम्बे आने का. कि नाउ आई हैव एन एल्बम टू शोकेस, तो मैं अगर कहीं जाती हूँ तो मेरे पास एक एटलीस्ट एक दिखाने के लिए मेरे पास है कि मेरी एक एल्बम रिलीज हुई है, मैंने एक रियलिटी शो जीता है. तो उससे एक किक स्टार्ट मिल गई. और उसके बाद मैंने कई फिल्म्स में गाया, रंग दे बसंती में गाया, तो तब लोगों को मैं मेरे बारे में पता था, मेरे नाम के बारे में कि अच्छा एक ओंकार है रंग दे बसंती में, किसी हर्षदीप कौर ने गाया. जी, लेकिन जब मैंने जुनून जीता जो 2008 में आया था, तो उससे क्या है कि लोग रिलेट करने लगे, अच्छा ये वही हर्षदीप है जिसने एक ओंकार गाया था. तो यू कैन से कि रियलिटी शोज गेव मी अ फेस. पहले लोगों को लगता था कि हर्षदीप कौर जो नाम है, जब लोग आपको देखते हैं टीवी पर कहाँ हाउस होल्ड नेम, तो लोग आपसे ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो लोग मुझे पहचानने भी लग गए. तो आई थिंक इससे ये ज़्यादा फायदा हुआ. इसी तरह के लेटेस्ट इंटरव्यूज के लिए प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उसी के जरिए आपको नोटिफिकेशन आएगी मेरे अगले लेटेस्ट इंटरव्यू के बारे में. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. Bye-bye.